हार्दिक पटेल, एक सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहती हूँ, एक सेकंड हार्दिक पटेल। देखिए आपने भी कहा कि अगर अल्पेश ठाकुर गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड प्लीज मिस्टर पात्रा, प्लीज प्लीज मिस्टर रोहन गुप्ता, प्लीज सर। हार्दिक पटेल एक सेकंड शक्ति यादव जी, हार्दिक पटेल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए सीधे तौर पर अब ऐसा वीडियो प्रमाण लाना कि कौन किसको भड़का रहा था, कैसे, एक वीडियो तो हमने दिखाया कि लोगों में घरों में जाजा के कहा गया कि 10 से पहले यहाँ से निकलो। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो हमने महाराष्ट्र में विकृत राजनीति देखी, जिसमें नौकरी वहां की सिर्फ मराठी को दी जाए, बाहरियों को नौकरी ना मिले, ऐसे आंदोलन होते हैं क्या? गुजरात में ऐसा आंदोलन अगर अल्पेश ठाकुर चला रहे हैं तो ऐसे आंदोलन चलने चाहिए? आप तो खुद चूड़ी आपके लिए कमजोरी की निशानी होगी। खबरदार जो आपने बैठ के चूड़ी को कमजोरी की निशानी बोलने की हिमाचत की है, बंद कीजिए किसी भी डिपार्टी आकर राजनीति बॉर्डर पर भेज दीजिए। इनका सरकार ने क्या गए विजय रूपाणी, किसने कहा आपको कि चूड़ी कमजोरी की निशानी होती है? रोका बिहार और यूपी के लोगों को, क्यों नहीं रोका? आपको हमली रिक्वेस्ट करके अपनी बात वापस लीजिए। आज किसी की पार्टी आकर राजनीति कहीं और ले जाइए, इनका ड्रामा बंद करेंगे। आपकी सरकार है, आप माफी मांग लीजिए अंजना जी, इनसे माफी मांगिए। 22 साल से इनकी सरकार है, क्या एक्शन लिया उन्होंने बताइए मुझे? आप एक्शन।